हमारी काफ़ी वीडियोस के ऊपर ये कमेंट आते हैं कि सबसे बेस्ट बैटरी कौन सी है इन्वर्टर के लिए। हालांकि मार्केट के अंदर कई बैटरियां आपको देखने को मिलती है, लेकिन सभी के लिए बेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। हर किसी के पास एक जैसी कंडीशन नहीं है या एक जैसा लोड नहीं है। यहाँ पर हम मोटा मोटा एग्जाम्पल की बात करें तो किसी के पास कुछ टाइम के लिए ही ग्रिड की सप्लाई आती है और किसी के पास कुछ टाइम के लिए ही ग्रिड की सप्लाई जाती है। तो ऐसे में किसी को लगभग दिन और रात में भी अपना लोड बैटरी पर चलाना पड़ता है, दूसरी तरफ किसी को अपना लोड कुछ टाइम के लिए ही बैटरी पर चलाना पड़ता है। तो किसके लिए कौन सी बैटरी सही रहने वाली है, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि जो इन्वर्टर की बैटरी है वो कितने टाइप की होती है। मेनली इन्वर्टर की बैटरी 4-5 टाइप की होती है, जैसे कि फ्लैट प्लेट बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी, 12 ट्यूबुलर बैटरी, जेल बैटरी, SMF बैटरी और लिथियम बैटरी। जो इनमें से लिथियम बैटरी है और 12 ट्यूबुलर है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और इसी के साथ हमें सोलर बैटरियां भी देखने को मिलती है, जो 12 ट्यूबुलर के अंदर आपको देखने को मिलती है, और लेड एसिड टाइप की ही ये बैटरियां होती हैं। तो यहाँ पर इन बैटरियों की जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग होती है और इनकी जो कॉस्टिंग है वो भी अलग अलग होती है। यहाँ पर जो 12 ट्यूबुलर बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है या जो सोलर बैटरी है, उनकी लाइफ लगभग 8 साल के करीब होती है, और वहीं जो लिथियम बैटरियां हैं उनकी जो लाइफ है वो लगभग 15 साल के करीब होती है। तो अब बात करते हैं किसके लिए कौन सी बैटरी सही रहती है। लेड एसिड बैटरी है वो बजट फ्रेंडली है, उसे हर कोई परचेज कर सकता है, लेकिन जो लिथियम बैटरियां हैं वो किसी कस्टमर के बजट के अंदर आती है, अदरवाइज उसे हर कोई परचेज नहीं कर सकता है। यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं तो 4 बैटरियों का जो सेट आता है लेड एसिड बैटरी का, वो लगभग 60,000 रुपए में आ जाता है। वहीं आप लिथियम बैटरी उतनी ही कैपेसिटी के साथ में लेना चाहते हैं, देन आपको लगभग 1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो लोग है वो सबसे पहले प्राइस को ही देखते हैं, और प्राइस में लेड एसिड बैटरी सस्ती होती है, इसीलिए लेड एसिड बैटरी की तरफ जाते हैं। हालांकि हर कोई लेड एसिड नहीं परचेज करता है, जिसको टेंशन फ्री और ज्यादा लाइफ के लिए बैटरी चाहिए है वो लिथियम बैटरी की तरफ जाता है। इसके अलावा लिथियम बैटरी के और भी काफी फायदे हैं, जिसके बारे में हमने पहले एक वीडियो में बताया है और उसके प्राइस के बारे में भी बताया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जिसको कम समय के लिए बैकअप चाहिए, यानी कि आपके यहाँ पर 2-3 घंटे ही बिजली जाती है, देन आपके लिए कौन सी बैटरी सही रहेगी। तो यहाँ पर उसके लिए मेरे हिसाब से लेड एसिड बैटरी, जो 12 ट्यूबुलर बैटरी होती है, वो लेनी चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ कुछ टाइम के लिए बैकअप चाहिए है, और उसकी जो बैटरी है वो धीरे धीरे फिर चार्ज हो जाए, क्योंकि उसका जो बैकअप टाइम है वो काफी कम है, क्योंकि कम टाइम के लिए ही उसे लोड चलाना है। लेकिन जो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए समय है वो उसके पास काफी ज्यादा है, तो ऐसी बैटरी वो ले सकता है जिसे वो धीरे धीरे चार्ज कर सके। ऐसे में आती है हमारे पास में C10 और C20 बैटरियां। तो अगर आप सोलर पैनल का उपयोग करना चाहते हैं तो C20 बैटरियां ले सकते हैं, जो कि 150 AH की बैटरी लगभग 15,000 में आपको मिल सकती है। अगर आप C10 बैटरी की तरफ जाते हैं देन वो आपको थोड़ी सी सस्ती भी मिल सकती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लेड एसिड बैटरियां ही लेनी चाहिए, अगर आपका बजट अच्छा है देन आप लिथियम बैटरियां भी ले सकते हैं, जो कि दूसरे बंदों के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी, जहां पर ज्यादा पावर कट रहता है, यानी कि ज्यादा समय के लिए पावर कट रहता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर जो सप्लाई है वो लगभग 2-3 घंटे ही आती है, तो ऐसे में आपको ऐसी बैटरी चाहिए जो कि 2-3 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज हो जाए और उसके बाद में आपको कंटिन्यू बैकअप देती रहे। तो ऐसे में जो लिथियम बैटरियां हैं वो सबसे बेस्ट रहती है, वो 2-3 घंटे में, मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर आपकी फुल्ली चार्ज हो जाती है, देन आप उससे कंटिन्यू पावर ले सकते हैं। लेकिन वहीं वो थोड़ी कॉस्टली भी होती है, लेकिन अगर आप देखते हैं उसकी लाइफ को देन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि जो उसकी लाइफ है वो 15-20 साल के करीब होती है। तो जिसको कम समय के लिए लोड चलाना है वो लेड एसिड बैटरियों से अपना काम चला सकता है, और जिसको ज्यादा लंबे समय तक बैकअप चाहिए और जल्दी बैटरी को चार्ज करना है वो लिथियम बैटरी की तरफ जा सकता है। तो अगर आपका बजट नहीं है लिथियम बैटरी लेने का और आपको ज्यादा लंबे समय तक बैकअप चाहिए, तो वहां पर आप लेड एसिड बैटरी को लगा सकते हैं और एक बैटरी की जगह 2 बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। तो वहां पर आपको लेड एसिड बैटरी के अंदर भी काफी अच्छा बैकअप देखने को मिल जाता है, लेकिन उनको आप लिथियम बैटरी की तरह 3-4 घंटे में फुल्ली चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिन में उन बैटरियों के ऊपर सोलर पैनल का उपयोग करना होगा, तभी आप उन बैटरियों को पूरे दिन में आराम से चार्ज कर पाएंगे और रात में फिर आप उनसे बैकअप भी ले पाएंगे। तो उम्मीद आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सी बैटरी बेस्ट रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।